हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांशु और आप देख रहे हैं पीजी एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आपसे मार्वल के टॉप 10 क्रेजी फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो शायद ही किसी को पता होंगे। मार्वल कॉमिक्स 1939 में सबसे पहले मार्टिन गुडमैन की ओर से खोजी गई थी। जी हाँ, स्टैनली तो सिर्फ मार्वल के कंटेंट क्रिएटर हैं और वो दुनिया भर के नंबर वन कंटेंट क्रिएटर में से एक हैं। मार्वल कॉमिक्स का सबसे पहला नाम टाइमली पब्लिकेशंस था, फिर आगे कुछ समय चलते चलते इसका नाम चेंज करके टाइमली कॉमिक्स रख दिया गया। मार्वल का ऑफिशियली नाम लॉन्च होने के बाद उसने अपने पहले ही साल में अपनी पहली कॉमिक लॉन्च कर दी। उसकी पहली कॉमिक का नाम था मार्वल कॉमिक इशू नंबर 1, जो पहले ही बार में सबसे बड़ी हिट थी। ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई भी नई कंपनी पहले ही लॉन्च में इतनी बड़ी हिट जाए जिसकी हजारों और लाखों कॉपीज बिक जाए। और द मार्वल कॉमिक्स इशू नंबर 1 के कैरेक्टर हैं द कैप्टन ह्यूमन टॉर्च और नेमो द सबमरीनो। और आगे चलते चलते कुछ सालों के बाद 1941 में कैप्टन अमेरिका ने अब इन दोनों के साथ अपना डेब्यू किया, जो कि आज तक सबसे पॉपुलर मार्वल कैरेक्टर्स में से एक है। मार्वल कॉमिक्स के कुछ सालों के बाद उसके फाउंडर मार्टिन गुडमैन ने एक नए नौजवान को हायर किया जो आगे चल के मार्वल के लिए बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर्स को फाउंड करेगा। और उस नए नौजवान का नाम था स्टैनली लीबर, और इनको हम पॉपुलरली स्टैनली के नाम से जानते हैं जो वर्ल्ड भर में फेमस है। स्टैनली को ये खुद नहीं पता था कि उनकी कॉमिक्स इतनी जबरदस्त हिट जाएंगी। 1960s के आते आते तक मार्वल कंपनी ने कई सारे सुपर हीरो सुपर विलन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और कई सारी टीमों को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण आज मार्वल का नाम टिका हुआ है और आगे भी टिका रहेगा। मार्वल कॉमिक्स से कुछ पॉपुलर टीम्स के एग्जांपल है फैंटास्टिक फोर, द एवेंजर्स, द हल्क, स्पाइडरमैन, एजेंट्स ऑफ शील, एक्समैन, आयरन मैन, डॉक्टर डूम, गैलेक्टस, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और किसी भी कंपनी में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। ये जरूरी नहीं किया है कि आप हमेशा अपनी पीक सक्सेस पे ही रहें। आगे आने वाले सालों में मार्वल ने भी कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव को ओवरकम करते हुए उसने आज तक अपना नाम बनाया हुआ है। मार्वल का नंबर वन कॉम्पिटिटर डीसी और बाकी सारे कॉमिक बुक कंपनी से राइवलरी तो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से मार्वल का नंबर वन कॉम्पिटिटर तो डीसी ही है कॉमिक बुक्स और मूवीज के मामले में। कुछ सालों के बाद मार्वल की पहुंच कॉमिक्स तक ही नहीं, मूवीज तक भी बढ़ चुकी थी और कॉमिक बुक की तरह मार्वल मूवी इंडस्ट्री पे भी छा चुका है। अगर आप कॉमिक्स को ज़्यादा फॉलो नहीं करते तो आप मार्वल को मूवीज से ही सिर्फ जानते होंगे। और उससे पहले की कहानी बताने के लिए हम है ना, मार्वल की मूवी सक्सेस स्टार्ट हुई थी ब्लेड मूवी से, जो हम सभी ने लगभग देखी ही है। फिर मार्वल की एक्समैन सीरीज, स्पाइडरमैन सीरीज, हल्क मूवीज इंडस्ट्री पे छा चुकी थी और पब्लिक को कुछ नया देखने के लिए पब्लिक और ऐसी मूवीज की डिमांड कर रही थी। मूवीज में रैपिड पॉपुलरिटी पाने के बाद मार्वल ने आने वाले 10 सुपर हीरो और सुपर विलन्स मूवीज की लिस्ट भी पब्लिक कर दी है और पब्लिक भी उस मूवीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। 31 अगस्त 2009, वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल इंटरटेनमेंट को ऑफिशियली खरीद लिया। वॉल्ट डिज्नी ने मार्वल इंटरटेनमेंट को इस बेसिस पे खरीदा था कि वे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो और अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कर भी रहे हैं और आगे चल के और भी अच्छे तरीके से करेंगे। मार्वल का एक और फैक्ट ये भी है कि मार्वल के फाउंडर यानी मार्टिन गुडमैन अपने वाइफ के साथ यूरोप में हनीमून पे थे, और जब यूरोप से वापस आने का समय हुआ तब मार्टिन का बहुत मन था कि वे बहुत ही मशहूर हिंडनबर्ग एयरशिप पे बैठें, लेकिन सीट्स ना मिलने की वजह से वे हिंडनबर्ग पे नहीं बैठ पाए और वे उन्हें प्लेन से घर आना पड़ा। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या फैक्ट है। जनाब आके तो सुनिए, अगर मार्टिन गुडमैन एयरशिप पे बैठ जाते तो उस हिंडनबर्ग एयरशिप का उसी दिन क्रैश हो गया था, और अगर वो क्रैश हो जाता ना ही गुडमैन रहते, ना ही मार्वल रहता, ना ही हम ये मूवीज़ देख पाते, तो क्या करते हम। चलिए जो हुआ वो अच्छे के लिए होता है, उन्हें वो टिकट नहीं मिली, वो हिंडनबर्ग एयरशिप कभी नहीं घूम पाए और मार्वल आज हमारे सामने है। 1979 में कॉमिक बुक आर्टिस्ट डेट ककरम ने मार्वल कॉमिक्स से अपनी जॉब क्विट करने की सोची, और इस जॉब क्विट करने में डेव ने मार्वल को एक रेजिग्नेशन लेटर दिया, और उस रेजिग्नेशन लेटर में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि वे मार्वल को क्यों छोड़ रहे हैं और क्या वजह है इन सब के पीछे। और उनके जॉब छोड़ने के दौरान मार्वल की आयरन मैन इशू 127 भी रिलीज हुई थी। उस कॉमिक के अंदर टोनी स्टार्क के बटलर एके एडवर्ड जार्विस ने भी ये डिसाइड किया था कि वे भी एवेंजर्स क्विट कर रहे हैं, और डेव की तरह जार्विस ने भी जॉब क्विट करने के लिए रेजिग्नेशन लेटर दिया और उस लेटर में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने जॉब क्यों छोड़ी।
गौर करने वाली बात यह है कि डिकी जो डेव ने रेजिग्नेशन लेटर दिया था वो हूबहू जार्विस से मैच करता था, और डेव की रेजिग्नेशन लेटर में एवेंजर्स को हटा के मार्वल रख दीजिए, पूरी रेजिग्नेशन लेटर सेम है। फिर एवेंजर्स की तीन इशू के बाद उस कंफ्यूजिंग रेजिग्नेशन लेटर को एक्सप्लेन कर दिया गया जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब बात आती है वुल्वरीन की। वुल्वरीन एके लोगन मार्वल का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन जब इसे क्रिएट किया जा रहा था तो मार्वल के क्रिएटर्स ने इसका दो नाम सोचा था, या तो वुल्वरीन या फिर द बैजर। लेकिन खुशकिस्मती से उनके क्रिएटर्स ने द वुल्वरीन नाम चुना और जो कि इस पर सूट करता था। मेरा मतलब है कोई एक बैजर को खतरनाक कैसे समझ सकता है। चलिए थोड़ी आगे चलते हैं। एक्समैन इशू नंबर 98 में एक साइंटिस्ट ने कॉमिक में कहा है कि एक्समैन किसी भी बाकी म्यूटेंट से और ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। पहले वुल्वरीन के क्रिएटर्स ने डिसाइड किया कि जब वो कॉस्ट्यूम में होगा उसके आर्म हेयर विजिबल नहीं होंगे, लेकिन जब वो कॉस्ट्यूम में नहीं होगा उसके पास बाल ही बाल होंगे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमें उसकी टेक्निक्स और स्टंट से हमें उससे प्यार है, उसके बाल कौन देखता है। ये क्या हरकत है मार्वल। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मार्वल की कॉमिक में सुपरमैन डेब्यू कर चुका है, लेकिन एक सुपरमैन हीरो की तरफ से नहीं, एक न्यूज रिपोर्टर की तरफ से। कॉमिक्स में न्यूज रिपोर्टर का नाम क्लार्क केंट था, जैसे कि हम जानते हैं डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन का नाम भी क्लार्क केंट था, वो भी एक न्यूज रिपोर्टर था। और मार्वल कॉमिक्स में उस क्लार्क केंट के कई सारे लाइंस भी हैं, लेकिन उसे कभी सीरियसली नहीं लिया गया मार्वल की ओर से कॉपीराइट की डर की वजह से। अब आते हैं अपने अगले फैक्ट पे। कभी आपको लगा है जो सुपर हीरो सुपर विलन्स में फाइट होती है उन फाइट के बीच में जो इतना डैमेज होता है उसे हैंडल कौन करता है। इसी बात को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मार्वल ने एक स्पेशल टीम भी बनाई है, और उस स्पेशल टीम का नाम है डैमेज कंट्रोल। डैमेज कंट्रोल बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है किसी भी डैमेज को ठीक करने के लिए, और किसी भी वॉर के ख़त्म होने के बाद डैमेज कंट्रोल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी डैमेज को दोबारा उसके वापस के फॉर्म में ले आया जाए। डैमेज कंट्रोल अपने कॉमिक्स के साथ साथ कई सारे टीवी शोज और मूवीज में भी फीचर कर चुके हैं। 1984 में मार्वल अपने सक्सेस की पीक पे थी, और उस टाइम उसे लगने लगा था कि अब उसका मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं, और यहाँ तक कि उसके पास उस समय मार्केट के 70% शेयर्स भी थे, और उस टाइम डीसी के पास सिर्फ 20% शेयर ही थे। आने वाले कई सालों तक डीसी ने भी फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है। फिर उसी साल डीसी की पैरेंट कंपनी यानी वॉरन कम्युनिकेशंस ने मार्वल के प्रेसिडेंट को बुला के डीसी के पब्लिशिंग राइट्स उसे वापस दिलाए, फिर तब जाके डीसी के कैरेक्टर्स अपने फैंस के लिए इंट्रोड्यूस हो पाए। ये सारी एग्रीमेंट इससे पहले इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इससे पहले मार्वल के पास मार्केट के 90% शेयर थे और उसका कोई मार्केट में कंपटीशन बचा ही नहीं गया था। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि मार्केट डोमिनेटिंग बने और मार्केट को कोई एक आदमी कंट्रोल कर सके, मार्केट के सिर्फ एक ही किंग पिन होना चाहिए। लेकिन थैंक यू टू द गवर्नमेंट आज मार्वल और डीसी के पास मार्केट की इक्वल शेयर है, अलॉन्ग विथ डार्क हॉर्स एंड इमेज कॉमिक्स। ये सारी नई कंपनियां भी कुछ पीछे नहीं है। मार्वल का एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि माइकल जैक्सन मार्वल और कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन थे। कॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ें कलेक्ट करना उनकी हॉबी थी, और उनका फेवरेट कैरेक्टर स्पाइडरमैन था। फिर 1990s में मार्वल स्पाइडरमैन की मूवी रिलीज करने की सोच रही थी, तो माइकल जैक्सन एज अ हीरो उसमें कास्ट होना चाहते थे, लेकिन मार्वल को ये बात पसंद नहीं थी और मार्वल ने माइकल जैक्सन को मना कर दिया। लेकिन वे स्पाइडरमैन के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने मार्वल को कई बार खरीदने की भी कोशिश की कि वे खरीदने के बाद उस मूवी में ऐसा हीरो फीचर कर पाएंगे, लेकिन इस बात से हमें बहुत खुशी है कि ये कभी हो ना सका। देखिए कितना अजीब लगता है। मार्वल के कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और फैंटास्टिक कैरेक्टर्स भी हैं, और हम उन सब के डाई हार्ड फैंस भी हैं, लेकिन मार्वल ने कुछ बहुत ही एम्बैरेसिंग कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है और उनके ऊपर कॉमिक्स भी बनी हैं, और इन कॉमिक्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि पेट एवेंजर्स। जैसे कि इसका नाम में ये एवेंजर्स टीम को ऐसा एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन पेट रहते हैं, और इसके कुछ और एग्जांपल्स है जैसे स्पाइडर हैम जो स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है, और इस कॉमिक में इसका नाम पीटर पार्कर या पीटर पोर्कर रहता है। एक और कैरेक्टर है जैसे फोन रेंजर। इस कैरेक्टर के पास फोन लाइन्स को ठीक करने की सुपर पावर रहती है। आप ही सोचिए वायरलेस के ज़माने में इसका क्या होगा, ये तो बेरोजगार हो गया। और कुछ और भी फालतू कैरेक्टर्स हैं जैसे कि ब्रेन बर्ड, मैथाडोर, लीफ फ्रॉग और आइसक्रीम। इसके पास ऐसी पावर्स हैं कि वे अपने आप को आइसक्रीम में चेंज कर सकता है,
इन सबको देख के ये लगता है मार्वल के कुछ बहुत ही खराब दिन चल रहे थे। मार्वल के एक्समैन सीरीज के कैरेक्टर्स ने कॉमिक्स में, मूवीज में, यहाँ तक कि हमारी रियल लाइफ में भी स्ट्रगल किया है। इन सारे कैरेक्टर्स को एज ए ह्यूमन और या फिर हायर देन ह्यूमन भी कंसिडर नहीं किया गया है, और इन सारे कैरेक्टर्स पे ज्यादा टैक्स लगाने पे भी बहस हुई है। और ह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स को डॉल की कैटेगरी में आते हैं और एक्समैन नॉन ह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स टॉयज की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है जब इनके क्रिएटर्स को ही लगता है कि एक्समैन ह्यूमन से कम पावरफुल है।